बिग बॉस के इस वीकेंड पर हमने देखा था कि जनता के कुछ सवाल आए थे और सलमान खान ने कहा था कि जनता के 13 सवाल हैं और जिसके लिए सवाल आया है वही दिख रहा है। तो मैंने ऐसे में कुछ सवाल भेजे हैं, वोट पर अपलोड कर दिए हैं। मुझे पता है कि मेरे भेजे गए सवाल जो हैं वो कभी भी वोट वाले दिखाएंगे नहीं, ना ही वो सवाल उन कंटेस्टेंट तक पहुँचेंगे। इसलिए ये सवाल मैं आपके पास डायरेक्ट पहुँचा रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि हाँ भैया, उन कंटेस्टेंट के लिए बहुत टेढ़े सवाल भेजे गए थे लेकिन मेकर्स ने जानबूझकर उन सवाल को सेलेक्ट नहीं किया। तो ज्यादा समय नहीं लेता हूं, आप वो सवाल देख लीजिए, सुन लीजिए जो कि मैंने शम्मो देवी और जय द बॉडम भानुशाली के लिए भेजे हैं। एंड मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि ये सवाल उन कंटेस्टेंट तक मेकर्स कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरा सवाल है बकिंगम पैलेस की महारानी शम्मो देवी के लिए। शम्मो देवी, जनता जानना चाहती है कि आपके पास जो दिमाग, जो कि बचपन से लापता हो गया था या फिर बड़े हो गए आपका दिमाग घास चलने चला गया, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि आप ब्यूटी तो है लेकिन आप में ब्रेन नहीं है। कोई भी आके कुछ बोलता है तो आप उसके हिसाब से चल पड़ती हो, जैसे कि राजीव ने बोला विशाल गलत है, इन राकेश ने बोला विशाल गलत है, आपने विशाल से पंगा ले लिया, लेकिन जैसे ही सलमान खान ने बोला नहीं उनका इंटेंशन ये नहीं था, आप सडनली रिग्रेट करने लग गई। और ये हम आपको यहाँ पहली बार ऐसा नहीं देख रहे, आपने बिग बॉस OTT में भी यही किया था, आप होस्ट की बातों के आधार पर चलने लग गई थी। तो आप खुद का दिमाग लगाएंगी, अब वो तो आप में है ही नहीं, तो आप बताइए क्या बचपन से ही ऐसी थी या बिग बॉस में आने के बाद दिमाग घास चलने चला गया। मेरा सवाल है जय द भानुशाली के लिए। जय भानुशाली, आप खुद को नेशनल टीवी पर सिद्धार्थ शुक्ला की सस्ती कॉपी साबित कर रहे हैं, आपको किसी भी मुद्दे का ना आता होता है ना पता होता है, टोटली लापता लॉस्ट दिख रहे हो, गुमशुदा तलाश केंद्र, आपको किसी भी मुद्दे में बस कूद रहा है, चाहे मुद्दा आपका हो या ना हो, आपको सिर्फ स्टैंड लेने की पीपड़ी बजानी है, आप हमेशा गलत चीज का स्टैंड ले रहे हैं। एक बार वो करण कुंद्रा प्रतीक के मैटर में आपकी तारीफ क्या कर दी सलमान खान ने, आप तो चने के झाड़ पर चढ़ गए, सिम्बा एंड उमर के मुद्दे में सिम्बा ही गलत था, लेकिन आपने पता नहीं कौन सी खुन्नस कि गलत जा रहे सिंबा को भी आप जस्टिफाई करते हो, आप हमेशा चीखते चिल्लाते हो भाई, चीख कर चिल्ला कर आप खुद को सही साबित नहीं कर सकते, आप नेशनल टीवी पर खुद को जोकर साबित कर रहे हैं। और प्लीज जय भानुशाली के रूप में खेलिए, आप सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी मत कीजिए।